और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। यहाँ पर पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने गौरवमय आपर संस्थाओं का हाल बुरा कर दिया है। और साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सीबीआई को भी रबर का गुड्डा बना दिया। और साथ उन्होंने कहा है बीजेपी ने चुनाव के पहले 342 संकल्प लिए थे, लेकिन इनमें से आज तक एक भी संकल्प पूरा नहीं हो पाया है। संदेश दिलों तक पहुंचाना था, ये एक जरिया है मेरे भाई। जरिया किस चीज के लिए? आज पार्टियों की हार जीत से ज्यादा हिंदुस्तान की हार जीत होने वाली है। इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़े जाते, अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं। मैं इसीलिए बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ी ये लिखे कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू और सिंधिया साहब खामोश थे और तमाशा देख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम जुल्म करना पाप तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप। हम खामोश नहीं थे। हम इस नरेंद्र मोदी से जो वादा खिलाफी के लिए जाना जाएगा, जो दो योजनाओं के लिए जाना जाएगा, नौजवानों के लिए पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगौड़ा योजना, जिसने देश का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म, मोदी आया संस्थाएं खत्म। अगर इस बार मोदी आया तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं मध्य प्रदेश के लोगों को कि कड़ी जोड़ देंगे।